कि बाबा आपने बहुत कृपा कर दी, अब ये प्रोफेशनली कीर्तन बंद कर दूं। और एक गवाह है, 2005 में कलकत्ता छोड़कर दिल्ली आया, काम करने की कोशिश की, साड़ी का शोरूम खोला और धुरंधरों के बीच में वहां खोला, लेकिन बाबा नहीं करने दिया। बोले नहीं, नहीं चला शोरूम, मैं कलकत्ता वापस गया। वापस जाकर मैंने वहां फैक्ट्री लगाई, नहीं बैठने दिया, फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये बोलता तू काम करेगा तो भजन नहीं गाएगा। हां मैं मानता हूं कि मैं लेता हूं, लेकिन एक बात बताऊं, आपके लिए आपके परिवार है, हमारे लिए हमारा कोई परिवार नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए न जीना न मरना। अगर आपके कीर्तन की आपको डेट दे दी ना, तो घर में कितनी शादी हो या परिवार में कोई भी फंक्शन हो, बच्चे अकेले ही जाते हैं, ये बाप नहीं पहुंच पाता वहां पर। आपके यहां पर आपने 20 साल पहले आपके यहां पर पंखा होगा, फिर कूलर हुआ होगा, फिर एसी आया होगा। मेरे बच्चों को भी गर्मी लगती है, उसको भी एसी की दरकार है। उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है कि उसका बाप बिना पैसे लिए भटकता रहे दुनिया के अंदर में। आपने तो मारुति 800 ली होगी, उसको अपग्रेड किया होगा, बड़ी गाड़ी में 3 लाख की गाड़ी को 10 में बदला होगा और 10 लाख की गाड़ी को 50 लाख में बदला होगा। गाड़ी तो 4 चक्का ही है ना, 800 से भी काम चल जाता। आपने तो अपने बच्चों के लिए 50 लाख की गाड़ी ले ली, मेरे बच्चे किसके पास जाएंगे? भीख मांगे, जाकर भीख मांगे? क्यों? मेरी औलाद को गाड़ी में बैठने का हक नहीं, नहीं है हक। मैंने किसी से छीना है? मैंने छीना है किसी से? या मेरे जैसे किसी भी भाई ने कोई छीना है? हाँ ये जरूर है कि इसका हुक्म जिस दिन होगा, जिस दिन इसका हुक्म होगा, सब छोड़ दूंगा। मुझे भी इंतजार है इसके हुक्म का, जिस दिन होगा सब छोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ मेरे बाबा के लिए, ये प्रोफेशनल हूं मैं, सिर्फ मेरे बाबा के लिए मैं, और मुझे कोई भी कीर्तन करने के लिए बोलता है मैं मना कर देता हूं, नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बाबा ने सेवा दी है। मैं सिर्फ एक दरबार का दरबारी हूं, सिर्फ। यो खाटू हालो श्याम बड़ो दिलवालो है, बड़ो दिलवालो है। बोलो यो खा बड़ो दिल, अरे सुनने करुण पुकार यो आवे, सुनने करुण पुकार यो आवे। पूरे हाथ उठा लो,
जिनका जिनका विश्वास है होली ले पे सवार बड़ो दिलवालो है, बड़ो दिलवालो है, आटो वालो बड़ो दिलवालो है, बड़ो दिलवालो है। सुनने 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 करुण पुकारियो आवे, सुनने करुण पुकारियो आवे, होली ले पे सवार बड़ो हम लोग तो किसी की तरफ देखते हैं उसकी पॉकेट देखकर, लेकिन मेरा बाबा ऐसा नहीं करता। जिनको भरोसा है तालियां बजाना। 1 2 3 4 दर्दी चाहे जैसा भी हो सुनियो कान लगा के, दर्दी चाहे जैसा भी हो सुनियो कान लगा के, आने के पाछे मेरा बाबा जावे काम पटा के, जावे काम पटा के। आज सुना कर देख ले, मन की बाता सावरिये ने आज सुना कर देख ले, के करनो है नहीं बतानो, के करनो है नहीं बतानो, आके परचो देख ले। मन की बाता सावरिये ने आज सुना कर देख ले। कौन कौन अपनी बात बाबा को सुनाएगा, उठा लो हाथों को, कह देना भजनों के माध्यम से। बड़ा बड़ा विद्वान बिहारिया चांदनी के आगे, बड़ा बड़ा विद्वान बिहारिया चांदनी के आगे, नाक रगड़ता खाटू जावे, नाक रगड़ता खाटू जावे, आवे धोख लगा के, आवे धोख लगा के।
को छिड़का, केसर चंदन को छिड़का, चंदन को छिड़का, केसर चंदन को छिड़का, हो रहे श्याम बहादुर गले लगावे शिव जोहार के आवे, श्याम बहादुर गले लगावे शिव जोहार के आवे, हार्योड़ा भगता पे बाबो, हार्योड़ा भगता पे बाबो, चमके प्यार लुटावे, चमके प्यार लुटावे, यो है सिरजनहार, बड़ो दिल हालो है, बड़ो दिल हालो है, यो खाटू हालो श्याम, बड़ो दिल हालो है, बड़ो दिल हालो है, सुनने करुण पुकार यो आवे, सुनने करुण पुकार यो आवे, होली में पे सवार, बड़ो दिल हालो, दिल हालो है, यो खाटू हालो श्याम, बड़ो बड़ो दिल हालो है, बोल सांचे दरबार की, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ भैया, सारे बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, अरे माता जी आप खड़े रहो, आप माँ हो मेरी, भगत आप भगत हो, हेल हेल ये क्या कर दिया भाई, थोड़ा थोड़ा स्पेस करो भैया, स्पेस करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, देखो जाना है, घर जाना है, हेलो पीलीगंजी वाले भाई, अरे आगे आ जा भाई, आगे आ जा, पवन भाई, चचा इसमें एक लाइन आई सुनना, माताओं बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ए बाबू सुनो सुनो, ए बेटा बात नहीं कर बेटा, इसमें एक लाइन आई, बड़े बड़े विद्वान भी हारे श्याम धनी के आगे, बड़ा बड़ा पंडित भी हारा श्याम धनी के, मोतीलाल जी को आप जानते हो,
मोतीलाल जी को आप भी जानते हो, कला भवन के हमारे, हाँ मुनीम जी आज। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो एहसास देखा? बस इतने हाथ, आपने नहीं देखा? उसमें मुनीम जी का रोल जिसने किया था ना, सुनो ये क्या है श्याम बाबा। मैंने खाटू में भी 11 को कीर्तन में बताया था, उसकी पूरी फैमिली आई थी। उसका उनके जो साले साहब है ना कलकत्ता के अंदर में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर में बहुत बड़ा नाम, कलकत्ता में नहीं इंडिया लेवल पर, और बड़े बड़े मिनिस्टर, आज तो उनकी उम्र 75 से अबव है, इसलिए वो आजकल किसी को देखते नहीं क्योंकि उनकी तबीयत भी अभी नासार रहती है भाई इस उम्र के अंदर में। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े मिनिस्टरों की फाइल पड़ी रहती थी, और आज भी जो 50 सालों से उनसे जुड़े हुए, आज भी कुछ एक क्लाइंट तो उनके ऐसे हैं कि फैक्ट्री कब जाना है उनसे पूछे बिना घर से नहीं निकलते वो। और माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, माँ काली की इतनी बड़ी मूर्ति उनके घर में है, और काली जी की मूर्ति कोई घर में रख ले आसान नहीं है, आसान नहीं है। बगुला मुखी माँ के परम भक्त, और जिनके यहाँ पर बगुला मुखी माँ का हवन होता हो, बगुला मुखी माँ का हवन जल्दी से कोई आपको पंडित कोई अगर करवाएगा नहीं, पहली बार करवाएगा नहीं, क्योंकि अगर एक मंत्र भी गलत हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और मुश्किल से इंडिया के अंदर में कोई उंगलियों पर मिलेंगे आपको जो बगुला मुखी माँ का हवन करवाते हो। तो हमारे जो मोती भाई है उनकी धर्म पत्नी, उनको बच्चा होने वाला था, वो मेरे साथ कीर्तन में कानपुर गया था, और 6:30-7 महीना था। रविवार को हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए कीर्तन खत्म करके राजधानी पकड़नी थी, स्टेशन गए। उसने उस समय वहां, उस समय मोबाइल नहीं आया था, उसने स्टेशन से टेलीफोन किया अपने घर पे, तो पता चला कि बेटा हुआ है, लेकिन सब लोग रो रहे थे। उसने बोला बेटा हुआ और तुम लोग रो रहे हो? बोला बचेगा नहीं, क्रिटिकल कंडीशन में है, माँ भी क्रिटिकल है और बच्चा भी क्रिटिकल है, तू जल्दी से आ जा। हम लोग सुबह कलकत्ता पहुंचे, बच्चे को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिया हुआ था, 15 दिन बाद कला भवन का उत्सव था 24 घंटे का। शनिवार को रात को उत्सव कीर्तन हुआ, सुबह आरती हुई, और उसके धर्मपत्नी अपने पीहर से जापा करवा रही थी, तो वो बोला मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं 2-4 उसके ससुराल गया था, और जब भी जाता था तो पहले जिस घर के अंदर में माँ काली की मूर्ति रहती थी पहले वहाँ जाकर नमन करते थे, फिर उनके साले साहब की ऑफिस में आकर, घर भी ऑफिस एक ही जगह थी, आकर उनके धोख खाकर बैठते थे। इस बार जब मैं गया काली जी को धोख लगाई तो पहली बार देखा कि काली जी की मूर्ति के ऊपर बाबा की तस्वीर लगी हुई है, पहली बार। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने धोख लगाई और उनकी ऑफिस में गया। पढ़ते ही उन्होंने बोला, उनके साले साहब ने, आज आश्चर्य तो तुझे बहुत हुआ होगा कि तेरा श्याम बाबा कैसे आ गया यहाँ पे, यही वर्ड थे कि तेरा श्याम बाबा कैसे आ गया। मैंने कहा भाई जी आज तक तो माँ काली जी को ही देखा था, आज बाबा की तस्वीर लगी है। उन्होंने बोला यार तेरे बाबा के आगे मेरी ज्योतिष शास्त्र फेल हो गया, तेरे बाबा ने मेरा ज्योतिष शास्त्र फेल कर दिया, हम समझे नहीं। बोले ये देख, मेरी बहन को जब हॉस्पिटल ले गए डिलीवरी के लिए, इमीडिएट डिलीवरी 6.5 महीने में, तो मैंने अपने घर में बोल दिया था कि आज खाना मत बनाना, चूल्हा मत जलाना, ये बहन को लेकर जा रहे हो, 2 डेड बॉडी लेकर आओगे, एक बहन की और एक उसके बच्चे की, एक को जलाना पड़ेगा एक को गाड़ना पड़ेगा, ये उनके वर्ड थे। श्याम बाबा की जोत सामने है, झूठ नहीं बोलता, ये उनके वर्ड थे। और सुनो अभी मत बजाओ ताली, उन्होंने उसका सर्टिफिकेट दिखाया बच्चे का कि हॉस्पिटल में इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड पर ये बच्चा हुआ, और एक किताब निकाली इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये बच्चा जो हुआ है
किस पाया, किस नक्षत्र, किस घड़ी में हुआ है। और उसके बाद फिर एक किताब निकाली, बट वर्ल्ड के अंदर में चाहे अमेरिका का कोई एस्ट्रोलॉजर हो या यूके का हो, उसके पास ये किताब जरूर मिलेगी। और उस किताब के अंदर में उन्होंने एक पैराग्राफ को पूरा ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ था और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि इस घड़ी, इस नक्षत्र और इस समय में इस पाए अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो न जच्चा बचेगी न बच्चा बचेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। बोले मेरी बहन, जिसकी जिंदगी नहीं थी मेरे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, इस बच्चे की जिंदगी नहीं थी। प्रेमियों, आज इस बात को 27 साल हो गए, आज जिस बच्चे की जिंदगी नहीं थी वो अपने पैरों पर गाड़ी चला रहा है और अपने पैरों पर दौड़ रहा है बाबा की कृपा से। क्या है? अरे जिस जिनको देखकर भगवान कृष्ण को पसीना आ गया, भगवान कृष्ण ने सोचा ये लड़ेगा तो तू क्या करेगा। वरदान ऐसा था, तीन बाण और एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म, और ऊपर से वरदान दे दिया मां को कि हारेगा साथी बनूंगा, मेरे रहते पांडव हारेंगे नहीं, और ये कौरवों को हारता देखकर वहां लड़ने लग जाएगा तो न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, असत्य पर असत्य की जीत नहीं होगी। अरे जिस बालक के सामने में तीनों लोकों सल 16 कला पूर्ण निपुण भगवान कृष्ण को याचक बनकर हाथ फैलाना पड़ा, जो भगवान को दान दे सकता है वो हमको और आपको क्या नहीं दे सकता। बड़ा बड़ा विद्वान बिहारा श्याम धनी के आगे, बड़ा बड़ा विद्वान बिहारा श्याम धनी के, अरे नाक रगड़ता खाट जावे, ओ, 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 बोलो नाक रगड़ और आवे धोक लगा के, आवे धोक लगा के, अरे आनो, अरे आनो आनो पड़सी श्याम शरण में, आ जाओ जय कला, आ जाओ चाहे कलाओ। हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें शाम नहीं होगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ लिटिल चैंप में, कोई सारेगामा था कि क्या था, एक बच्चे ने खाटू नरेश की जय लख दातार की, कंपटीटर था जो बॉलीवुड का, उसने 8-10 साल का बच्चा होगा, उसने खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, लकदातार की जय, शीश के दानी की जय, तीन बाणधारी की जय, 5 जयकार लगाई। आण पड़सी श्याम शरण में, अरे यो कलयुग सरदार बड़ो अलबेलो है, बड़ो बड़ो दिल हा गले लगावे शिव जो हार के आवे, श्याम हार ओढ़ा भगता पे बाबा, हार ओढ़ा भगता पे बाबा, अरे जमकर प्यार लुटावे, जमके निराश मत होना, ये वो दरवाजा है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं, उसकी यहां सुनवाई है प्रेमियों।